अभी तक कितने अवार्ड्स मिल चुके आपको? हाँ जी दो मिल गया है बॉडी बिल्डिंग का एक मिला है और एक पुशअप्स का मिला है 19 तारीख को। रिलैक्स साइड चेस विद कॉम पसंद फ्लिक्स किसी ने खूब कहा है इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है जी हाँ दोस्तों आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं आज उसने अपने हौसलों से एक उड़ान भरी है अभी तो शुरुआत है आपके प्यार सपोर्ट की उन्हें उसे सख्त ज़रूरत है क्योंकि बारह साल की उम्र में माँ बाप का सर से साया उड़ जाता है और जिस उम्र में खेलने कूदने के दिन होते हैं उस उम्र में एक ज़िम्मेदारी आ जाती है छः भाई बहन पाँचवें नंबर पे आते हैं और गाजीपुर के गोविंद नगर मर्दा से बिलोंग करते हैं और मुंबई में इस समय वो उलवे मोरावा गांव, बावन डोगरी पनवेल में रहते हैं तेईस साल की उम्र में है और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे रहे हैं बस आप लोग के प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है तो आइए मिलते हैं आपने कुछ दिन पहले एक छोटा सा क्लिप देखा रहेगा बॉडी बिल्डिंग का जिसमें लक्ष्मण राजभर का नाम आता है और स्टेज पे आते हैं इनाम लेके चले जाते हैं तीस से पैंतीस सेकेंड का यह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ बात करिए नाइन लक्ष्मण राजभर के पटील सर विनती और आज हमारे साथ हैं लक्ष्मण राजभर जी हैं और और आज जिनसे मुलाकात हुई है नंबर ढूंढते-ढूंढते काफ़ी समय लग गया और आज मुलाकात हुई है बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती हमने भी कोशिश की और आज के युवा सपनों को नई उड़ान देने वाले राजभर समाज का परचम लहराने के पहले स्टेज पे हैं लक्ष्मण राजभर जी तो जानेंगे इनसे इनकी कहानी और मुंबई में कैसे आए आखिर बॉडी बिल्डिंग में अचानक इनको कैसे मन लगा तो सबसे पहले लक्ष्मण जी हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है थैंक यू थैंक यू यहाँ पे आज आपकी उम्र तेईस साल है और आपका कुछ वीडियो वायरल हुआ तो हम आप लोग को ढूंढते तो आपको ढूंढते ढूंढते आए हैं बॉडी बिल्डिंग में कैसे आप यहाँ पे आए जी मेरा अभी तो इधर आया तो अभी कुछ वो नहीं था कि मैं करूँगा कुछ बॉडी बिल्डर मेरे को कुछ बोले कि तू ये कर सकता है मैंने वो सुबह से ही करना चालू कर दिया और मेरे को भरोसा था कि मैं कामयाब हो जाऊँगा अब भी कामयाब तो नहीं हुआ हूँ थोड़ा सा मंजिल मिली है मेरे को फिर आगे आगे जाके मेरे को मंजिल तो मिलेगी मेहनत कर रहा हूँ ऐसे और मेहनत ऐसा ही जारी रहेगा मेरा अभी तक कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं आपको जी दो मिल गया है आ... बॉडी बिल्डिंग का एक मिला है और एक पुशअप्स का मिला है उन्नीस तारीख को तो अभी आगे भी जारी है ऐसा ही जारी रहेगा अभी जब तक बारह साल की उम्र में आपके माता पिता जी का साया सर से उठ जाता है तो जिम्मेदारी एक आ जाती है आपके ऊपर कि और जैसे भाई बहन है सबको पढ़ाना लिखाना ख़ुद पढ़ना लिखना तो कैसे यूपी से यहाँ कैसे आए जी इस टाइम इधर मेरे जीजा रहते थे जीजा जी रहते थे तो मैं गांव पे पढ़ता नहीं था लिखता था, नहीं था कुछ करता नहीं था तो बोले कि चल मेरे साथ क्या इधर करेगा मतलब कुछ है नहीं इधर तो चल मुंबई चल मेरे साथ कुछ काम कर लेगा और सीख लेगा तो कुछ करेगा तो मेरे को लाकर एक होटल में रख दिए मतलब काम पे लगा दिए बोलो उधर पच्चीस सौ मेरा पगार था क्या काम था बर्तन धोने का तो उधर मैं करता था फिर वैसे ही करते 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 एक ही सेट के पास मैंने उनका दिल जीता सेट का अभी तक तो उन्हीं के पास आ, है? जी 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 उन्हीं के पास है अभी उनका ही काम कर रहे हैं अभी धीरे धीरे ऐसे ही मतलब वो सपोर्ट भी करते हैं मेरे को अच्छा प्रमोशन हुआ कि नहीं अभी कितने साल से काम कर रहे हैं उनके उनका मैं बारह साल हो गया मेरे को इधर आके उनके साथ उनके साथ ही काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छे दिल के अच्छे हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को आपके जीजा जी बहन यहाँ पे आपको लेके आए जी कितना सपोर्ट उनका है इस जो लाइन में आप आए हैं कितना सपोर्ट है बहुत सपोर्ट है बहुत सपोर्ट है जी दीदी और जीजा का तो इतना सपोर्ट है इधर मैं मेरे को वो लो लोग ला लाए मैं उन लोग के ऊपर बदौलत इधर इतना दूर हूँ और मैं सोच रहा हूँ उन लोग के बदौलत मैं इतना और आगे बढ़ूँ इनकी दीदी भी यहाँ पे आई हैं और जानेंगे कि आज लक्ष्मण देश में अपने राजभर समाज का नाम कर रहा देश का नाम रोशन कर रहा कैसा लग रहा है आपको कम उम्र में बहुत अच्छा लगा भैया और मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ आगे बढ़ें और हम लोग का राम नाम रोशन करें आ, हमारा भाई बढ़ रहा है तो बहुत मेरे को अच्छा लगा है अच्छा परिस्थिति बहुत नाजुक है और जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है कि पढ़ाना लिखाना अपने बच्चों को भी पढ़ाना इनको भी सम, सपोर्ट हाँ। करना तो कैसे मैनेज होता है मैनेज करती हूँ थोड़ा काम धंधा करती हूँ और दोनों भाई बच्चे को भी संभालती हूँ ये भाई को भी संभालते हैं हम लोग सपोर्ट बोलते हैं हम लोग भाई को जब तक चलेगा तब तक सपोर्ट देंगे उसको अच्छा ये लक्ष्मण राजभ जी जो काम करते कहीं मतलब जैसे कि गांव के बच्चे लोग लो रहते ज्यादा सुनते नहीं है तो उस टाइप के तो नहीं है नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है वैसे भाई हमारा नहीं है ऐसा नहीं है कि जो हम लोग नहीं बोले वो नहीं करे करता है बहुत तो मेरा साथ भी देता है और हम लोग भी उसका साथ देते हैं घर के घर के कामों में जैसे आपको सहयोग की जरूरत होती है तो सहयोग करते हैं हाँ करते हैं करते हैं तो क्या सपना है आप लक्ष्मण जी बॉडी बिल्डिंग में कुछ सपना उनका रहेगा हम उनसे पूछेंगे लेकिन आपका क्या सपना है कहाँ तक उनको देखना चाहते हो हम सोच रहे हैं जब तक इनका जहाँ तक खुशी है आगे बढ़ेंगे तो उनका हम साथ देंगे जब तक जहाँ बढ़ना चाह रहे हैं वो तो लक्ष्मण जी आ, आपकी बहन की तरफ से तो पूरा सपोर्ट है आपका क्या सपना इस फील्ड में जो आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं मेरा एक ही सपना है कि मैं पूरा वर्ल्ड में बॉडी बिल्डिंग मतलब कर सकता हूँ मैं उतना हौसला कर सकता हूँ कि मैं जा सकता हूँ उतना और अपने जात का अपने राजभर समाज का ऊंचा सर करना चाहता हूं कि एक भी लक्ष्मण राजभर है और हमको देख के सब राजभर के लड़के मोटिवेशन हो गए कि ये कर रहा है हम भी करेंगे तो आपका नंबर हम लोग डिस्प्ले में दे देंगे ताकि आपसे कोई सपोर्ट जैसे कि इनको सपोर्ट की भी ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं जो भाई हमें इनका डिस्प्ले में नंबर दे देंगे जो भाई इनको सपोर्ट करना चाहता है करे इनका हौसला बढ़ाना चाहता करे हम आपको डिस्प्ले में नंबर दे रहे हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट करके इनसे कांटेक्ट करके इनसे हालचाल ले सकते हैं इनके सपनों के बारे में भी पूछ सकते हैं चलेगा ना आपको अगर हमने आपका नंबर डिस्प्ले जी, जी, जी चलेगा, चलेगा, चलेगा चलेगा आप जो भी आपको मेरे से पूछना है मोटिवेशन होना है जो आपको जैसे वर्कआउट में करता हूँ आपको सीखना है मेरे से तो आप संपर्क करिए और आपको भी मैं मोटिवेशन कराऊँगा और, और सोच रहा हूँ वो मेरा सपना पूरा हो जाए तो इनका एक ही सपना है कि राजभर समाज का नाम हो राजभर समाज का नाम होगा कहीं ना कहीं देश का भी नाम रोशन करेंगे तो इनको प्यार सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है चलते आपकी आपके जैसे जैसे आपने कहा कि हम पढ़े लिखे हमें गांव में पढ़े लिखे ज़्यादा करके बच्चे लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं गांव में तो आपके जैसे जो युवा हैं उनको क्या संदेश देंगे आप, आप पढ़िए और नहीं आपको मन लग रहा है पढ़ने में तो या तो कुछ करिए आप या क्रिकेट में आप हो तो क्रिकेट में जाइए आपको किसी में जिसमें मन लगे उसमें आप चले जाइए ये नहीं कि आप किधर भी घूम रहे हो आप किस भी कुछ भी नहीं कर रहे होते मतलब नहीं है आपका जो सपना है वो पूरा करिए और आपको यही भगवान का दुआ है जय सी का एक और, एक और एक और एक और चीज़ आजकल अपने समाज के काफ़ी लोग आगे बढ़ रहे हैं कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की जैसे धर्मेंद्र जो सर से नारियल तोड़ते हैं और खेल कूद में भी बहुत से लोग आगे आ रहे हैं तो ऐसे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या गाइड करेंगे आप आ, उनको बस इतना ही गाइड करूँगा कि वो भी अपना जो लक्ष्य ना उसको पूरा करिए और ना आप नशा करिए ना ये उसमें फील्ड में आइए आप ऐसा एक काम करो कि आगे बढ़ो और राजभर का समाज ऊँचा करो और हमको सपोर्ट भी करिए जी तो आप लोग से एक सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं लक्ष्मण राजभर जी तो ये थे लक्ष्मण राजवा जी अपने गरीबी को भी देखते हुए अपने सपनों को भी पूरा करना चाहते हैं और आप जैसे लोगों की सपोर्ट आज जैसे इनकी दीदी ने काफ़ी सपोर्ट किया है सलूट है दीदी आपको कि आपने अपने भाई को एक सपना दिखाया और सपना ऐसा दिखाया कि जिससे देश दुनिया का नाम तो होगा होगा और राजभर समाज का भी नाम रोशन होगा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है तो आप लोग भी से निवेदन है कि लक्ष्मण राजभर जी के हौसलों को बढ़ाइए और इन्हें प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए कि अपने सपनों में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्द कामयाब हो तो ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताए और आग, और आप अगर हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन बटन दबाए ताकि हमारा जो भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तो मिल जाए तो इनका वीडियो देखने के बाद हमें भी बहुत खुशी हो रही थी कि हम इनसे कब से कब जल्दी से जल्दी मिले और धन्यवाद करते गोविंद जी का जिन्होंने हमें इनका नंबर दिया और हम यहाँ पर आए हैं हम चाहेंगे कि जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस और गांव से हमने तो बताया है लेकिन हम चाहेंगे अपने खुद बताएं कि गांव का प्रॉपर गांव कौन सा और यहाँ कहाँ रह हैं मुंबई पनवेल में जी मेरा गांव जिला गाजीपुर है गोविंदपुर मर्दा गोविंदपुर और इधर रहता हूँ नवीन मुंबई महाराष्ट्र नेहरुल बेलापुर अब मुरावा गाँव है ही रहता हूँ आपको मिलना भी रहेगा चाहे कुछ भी कुछ जरूर रहेगा तो मेरे को संपर्क करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी और चाहेंगे कि आपके सपने जल्दी से जल्द पूरा हो दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने एक अपने भाई को हौसला दिया नमस्ते भैया आप मेरे भाई का सपोर्ट किए और ऐसे ही जारी रहे हमारा भाई को सपोर्ट करिए जा करो लोग और मैं आगे सोच रही हूँ आगे मेरा नाम रोशन करें और गाँवपुर का भी नाम रोशन करें ज़रूर जरूर आपका भी नाम रोशन करें गांव का भी नाम रोशन करेंगे समाज का भी नाम रोशन करेंगे और देश का भी नाम रोशन करेंगे लक्ष्मण जी यही उम्मीद करते हैं तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत